एंड वेलकम टू कारखाना। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स को कि आप लोगों के बदौलत आज हमने 10K क्रॉस कर लिए हैं। आप सबको भी बधाई और मज़ा आ गया यार, आप लोगों का प्यार इतना मिला, इतना सपोर्ट है कि हमारे 10K हो गए हैं आज। और चलिए अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी न्यू गोल्ड एडिशन के बारे में। जी हाँ, तो अब हम इस गोल्ड एडिशन के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स ने अभी फ़िलहाल हाल ही में कुछ इमेजेस अभी लीक करी हैं और जिसमें दिखाया गया है कि भाई टाटा सफारी का गोल्ड एडिशन आने वाला है। अब आपको ये 2 कलर ऑप्शंस में भी मिल जाएगा, यानी कि ब्लैक एंड गोल्ड एडिशन प्लस आपको वाइट एंड गोल्ड थीम में ये मिलेगा, जिसके कुछ इंटीरियर के भी कुछ हमारे पास इमेजेस हैं और एक्सटीरियर के भी कुछ इमेजेस हैं, जैसा कि आप अभी अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए, आप बेसिकली इसमें क्या क्या चेंजेस करे गए हैं आपको बता दें कि नॉर्मली हमने देखा है कि भाई गाड़ी के साथ जो भी कलर की गाड़ी होती है उसके साथ हमें आज तक क्रोम फिनिश ही मिलता है, क्रोम आइटम्स ही उसमें लगे होते हैं, स्ट्रिप्स लगी होती हैं, लेकिन यहाँ पर टाटा ने कुछ नया करते हुए यानी कि एक गोल्ड एडिशन को यहाँ पर दिखाया है। और आपको बता दूं कि UAE में होने वाले 2021 IPL में आप इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि वहीं पे ये गाड़ी लॉन्च होगी, यानी कि ये जो नया जो एडिशन है वो दिखाई देगा आपको। ये वाइट एंड गोल्ड में, जैसा भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ इस तरह की ये लुक आएगी। एंड ब्लैक एंड गोल्ड में आपको ये कुछ ऐसा लगने वाला है, डार्क एडिशन में जो कि आने वाली है। पर्सनली अगर मैं अपने पसंद की बात करूँ तो मुझे देखिए गोल्ड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है। वैसे तो देखिए वाइट में भी बुरी नहीं लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बट खैर वो हमारी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। आपकी क्या चॉइस होगी आप मुझे वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए गोल्ड हमें कहाँ कहाँ, मतलब ये जो इंप्रेशन है वो हमें कहाँ कहाँ मिलने वाला। सबसे पहले तो हमें फ्रंट ग्रिल में मिल जाएगा, जो कि इसका ट्राई एरो पैटर्न जो फ्रंट में आपको ग्रिल में मिलता है वो आपको यहाँ पर गोल्ड में मिलने वाला है। साथ ही आपको कुछ स्ट्रिप्स जो हैं वो हेडलाइट के नीचे भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। डोर हैंडल्स पे भी आपको इसके जो गोल्ड पैटर्न है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको रूफ रेल पे भी मिल जाएगा जहाँ पर सफारी की बैजिंग होती, सफारी का जो फॉन्ट है आपको उसके ऊपर भी पूरा गोल्ड पैटर्न ही यहाँ पर मिलने वाला है, तो गोल्ड प्लेटेड आपको ये मिलेगा। और अगर हम इंटीरियर की बात करें तो आप डैश पे भी देख रहे हैं कि किस तरह से गोल्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर आप अगर एसी वेंट देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको गोल्ड इंप्रेशंस मिल जाएंगे। इसके साथ स्टीयरिंग व्हील पे जो आपको टाटा का लोगो मिलेगा वो भी आपको पूरा गोल्ड पैटर्न में, गोल्ड इंप्रेशन में मिलेगा। तो देखिए काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, एक प्रीमियमनेस इसमें मिल रही है। डोर्स पे भी आपको यहाँ पर कुछ गोल्ड पैटर्न मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी लुक इसको देती है। क्योंकि नॉर्मली यार, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने ज़्यादातर गाड़ियों में आज तक सिर्फ क्रोम में ही देखा है, लेकिन फर्स्ट टाइम है कि किसी गाड़ी में आपको एक गोल्ड फिनिश भी मिलेगा। तो क्या कहना है आपका इस बारे में, आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। और हाँ, आपको इसके प्राइजेस के बारे में भी बता देते हैं। तो जो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो करीब 21,89,000 यानी कि 21,90,000 के आसपास से ये आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर हम इसके टॉप वेरिएंट पे जाएंगे तो टॉप वेरिएंट हमें 23,18,000 के आसपास का मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें पसंद अब कुछ कस्टमर्स को आएंगी, कुछ कस्टमर्स जैसे जिनको जो जो चीज़ें पसंद आती हैं वही इस गाड़ी को लेना आई थिंक पसंद करेंगे। और प्राइजेस तो कुछ ऐसे ही रहने वाली हैं। इसके साथ और क्या आपको मिलने वाला है तो अभी बता दें, इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाएंगी रियर में और फ्रंट में दोनों में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि 50 लाख से ऊपर की गाड़ियों में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है ऐसी सीट्स जो होती हैं। बट ठीक है, अब ये पैटर्न इंडिया में भी शुरू हो चुका है, काफ़ी अच्छा है, प्रीमियमनेस आपको मिलेगा, कम्फर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये गोल्ड एडिशन के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट करके फिर बताना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको जैसा भी लगता है अपनी राय ज़रूर हमसे शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का। तो प्लीज़ आप लोग इसमें सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। आपका अभी तक के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार की वजह से, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, आप लोगों की वजह से ही हमने आज 10K क्रॉस कर लिए हैं, जिसके लिए आप सब भी बधाई के हकदार हैं। और थैंक यू सो मच दिल से कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार किया, हमें सपोर्ट किया, तो बस मज़ा आ जाता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस जो है वो हमसे शेयर कर सकते हैं।